I have seen people going from 60 to 99. How to go from 96 to 99? 60 to 99 फिर भी आसान है, but 96 to 99 is kind of difficult. ठीक है, 96 से 99 करना या 99 plus करना वो थोड़ा difficult भी है, है ना? 60 से 99 करना तो चलो कि मतलब तुम सो रहे थे, जाग गए, जाग के अच्छे से पेपर थोड़ा प्रिपेयर करके दे दिया तो आ जाएगा 96, बट 99 प्लस आना उतना आसान नहीं है, है ना? इनफैक्ट 90 प्लस तो काफी बच्चों के आते हैं, बट 99 प्लस लाना वो थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो उसके लिए आपको लेकिन यहाँ पे अच्छे से अपनी पेपर की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. मेरे ख्याल से अगर आपके 96 आ रहे ना तो कॉन्सेप्ट तो आपके ऑलरेडी अच्छे है ही, बस इट इज ऑल अबाउट एग्जाम की स्ट्रेटेजी, है ना? एग्जाम में आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डी डे आप कैसा परफॉर्म करते हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी प्रैक्टिस काफी लोग नहीं करते. उनको लगता है कि ठीक है जितना आता है वो करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है. आपको उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि भाई मतलब हम अपना बेस्ट कैसे दे, हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, और हम अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कैसे करें. कभी तुक्का मारने का मन करता है बट नहीं मारना है. ठीक है, कभी ऐसा मन करता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, अगले क्वेश्चन पे चले. बहुत बार हम फ्लिप करते रहते हैं, एक क्वेश्चन को ट्राई किया 50% किया छोड़ दिया, फिर दूसरा ट्राई किया 50% किया छोड़ दिया. तो बार 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 फ्लिप करोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे या कम आएंगे. समझिए, विच बैच फॉर 11th विल स्टार्ट, 11th के लिए इमर्ज विल स्टार्ट फॉर 11th. ठीक है,